तो परसों जो एकादशी है, बहुत ध्यान से सुने, परसों माने आज शुक्रवार हो गया, शनिवार रविवार, रविवार की जो एकादशी है वो ऐसी दुर्लभ एकादशी है। वैसे एकादशी मोहिनी एकादशी है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है, लेकिन इस बार ऐसा विलक्षण योग आया है, इसको कहते त्रिस्पृशा वंजुला महाद्वादशी। क्या कहते हैं? त्रिस्पृशा वंजुला महाद्वादशी। इसका बड़ा भारी महात्म्य है। इस एकादशी को कोई विधि पूर्वक कर ले तो हजारों एकादशियों का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है, हजारों एकादशियों का पुण्य। भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान ने पद्म पुराण में कहा वंजुला सा मम प्रिया, ये वंजुला एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री अम्बरीश जी के जीवन में एक बार वंजुला आई थी, जिसको करने के लिए वो मथुरा पधारे थे और दुर्वासा जी ने उस समय आकर के परीक्षा लेने के लिए पधारे, कथा आप सबको मालूम है। पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि एक बार यही वंजुला महाद्वादशी व्रत था, पुरानी बात है, 100-200 साल पुरानी बात, तो अयोध्या जी में एक साथ 12 संत सदैव साकेत गए थे। इतना दुर्लभ योग है। तो भैया परसों की एकादशी जहाँ तक हो सके, जिसका शरीर जैसा मानता हो, बहुत उत्तम पक्ष है, कोई सामर्थ्यवान हो तो निर्जल कर सकते हैं, वो भी न कर सकें तो जल पी कर करें, जल पी के भी न कर सकें तो गाय का वेद लक्षणा गाय का दूध लेकर के कर लें। बाकी बहुत अधिक कचरम कूट न खाएं, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें और भगवान का स्मरण करें, और त्रिस्पृशा को एकादशी माने वंजुला महाद्वादशी को हो सके तो रात्रि में जागरण करके 4 प्रहर भगवान शालिग्राम जी का पूजन करें। इसकी एक विशेष महिमा है। त्रयोदशी को पारण होगा, सोमवार को सोम प्रदोष है, त्रयोदशी को पारण हो जाएगा। तो ऐसा करना चाहिए, हमारे मन में भी उत्साह है ही है, भगवान कृपा करें तो ऐसा विचार रखते हैं कि 4 प्रहर का भगवान का अर्चन हो जाए, 4 प्रहर पंचामृत अभिषेक हो जाए, और यह पता नहीं जीवन में फिर किसके कौन अवसर आएगा कि नहीं आएगा, ये भगवान की कृपा से वंजुला महाद्वादशी उपस्थित हुई है, इसका हम लोग आदर करें। वैसे भी पूरे संसार में महामारी चल रही है, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब कब तक रहेंगे, कब किसका नंबर आ जाए कोई पता नहीं है, इसलिए ये वंजुला महाद्वादशी जैसा भी हो सके विधि पूर्वक करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सब भूखे ही रह जाओ, जिसको खूब पाना हो प्रेम से पा भी सकता है, हम तो मना नहीं करते, लेकिन हो सके तो इसको नियम पूर्वक और विधि पूर्वक कर लेना चाहिए।